कौमी टीम के 7 खिलाड़ियों को टीम से निकाले जाने की तैयारियां। शुएब मलिक रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके, जबकि मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद और दीगर कुछ खिलाड़ियों की जगह नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने पर गौर। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के फौरी बाद कौमी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला कर चुकी है। निजी टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद टीम इंतजामिया से लेकर कई खिलाड़ियों तक को घर भेज दिया जाएगा। बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट की तब्दीली एक जानिब, जबकि टीम के कई खिलाड़ियों की जगह भी खतरे में पड़ गई है। सीनियर ऑलराउंडर शुएब मलिक एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, जबकि उनके अलावा टीम के कुल 7 खिलाड़ियों की टीम में जगह खतरे में है। इन खिलाड़ियों में ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ और कप्तान सरफराज अहमद का नाम भी लिया जा रहा है। इस हवाले से शुएब अख्तर ने भी दावा किया है कि मौजूदा टीम के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जल्द टीम से निकाल दिए जाएंगे। स्पीड स्टार का कहना था कि जब तक आप औसत दर्जे के लोगों को लाते रहेंगे, औसत कारकर्दगी ही देखने को मिलेगी। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद की कप्तानी से बरतरफी तो एक बात, उनकी टीम में जगह भी गैर यकीनी हो गई है। सरफराज अहमद की बतौर कप्तान और इनफरादी कारकर्दगी खासी मायूस कुन रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से सरफराज अहमद की कारकर्दगी और फिटनेस नाकिस रही है, इसलिए टीम में उनके लिए जगह बरकरार रखना बहुत मुश्किल है।